राम राम भाई सारे, स्वागत है आप सबका अपनी आज की इस नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो गए भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में अपना मेन कंटेंट है भाई, जो बल्ले विकास ट्रैक्टर था सोनाली का 750 स्टार्टिंग वाली अपनी पहली वीडियो थी उस ट्रैक्टर पर। और अपन स्टार्टिंग वाली वीडियो में उसकी छतरी छतरी तारी थी और सोचा था कि भाई म्यूजिक सिस्टम लगवावेंगे, उसका यू पाइप लगवावेंगे। तो धीरे धीरे कर रखा ना भाई, अपन सारा काम फिट कर दिया उसका, बस एक फाइबर की कमी रह रही है, फाइबर और लानी रह रही है। तो उसकी लुक चेक करवाएंगे, पहले जो लुक थी उसका फ़ोटो लगा दूंगा मैं, और जो फ़िलहाल जो बना रखे हैं उसका लगा दूंगा। तो बताइए कौन सा बेटर है, कौन सा बढ़िया लग गया है। और जो कर आराम आराम तक करके ना सारी मॉडिफिकेशन कर दिया अपन उसमें, जो कर भाई इसे म्यूजिक सिस्टम ले आए थे असंत शायद, उसकी हमने वीडियो बनाई थी, उसकी म्यूजिक सिस्टम ले आए थे, उसकी बनाई थी अपन वीडियो भाई। और यू पाइप लगाया था और छतरी तापन उतारी दी थी, जो पहले साइड वाले स्पीकर थे वहाँ पास सेट करे थे, उसकी बनाई थी वीडियो। तो सारा जितना भी सिस्टम था उतारेगा ना, अरे अपन नया बना दिया सारा जुगाड़। तो भाई आपने उसकी लुक चेक करावाँगे, किस तरह की लुक आ रही है उसकी, और क्या क्या मॉडिफिकेशन करी है सारा बतावाँगे, और कितनी कॉस्ट आ गई है अपनी उसमें, विकास से बात करावाँगे क्या कुछ कराया है। तो आज एक बार लुक चेक करावा, चलो। तो भाई यह एक बार लुक चेक करो, ये हो अपना सोनाली का 750 DI। और एक बार इसमें अपने मॉडिफिकेशन बता दूँ क्या क्या करवाई है अपन, है ये अपना विकास रहा। तो भाई यो सोनाली का 750 DI 2010 मॉडल है नी? हाँ 10 मॉडल है भाई, 2010 मॉडल है। और स्टार्टिंग में जब आप ले आए थे तो पेंट करवा दिए थे, इसका सारा पेंट हो रहा है। और पेंट करवाने के बाद सिंपल मॉडिफिकेशन करवाई थी इसमें, मॉडिफिकेशन की थी, एक तो नई छतरी टिकवाई थी और एक साइड वाला स्पीकर थे, जो अपन आप सबने पहली वीडियो में देखे भी होंगे, जो साइड हम स्पीकर लग रहे थे और फिर अपन उतारेगा पीछे सेट करे थे वहाँ यू पाइप पर। तो एक बार मोटी मोटी गिना दी मैं आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। तो जो यह पैर वाली रेस है, या दोनों का ना रेस हो जाएगा दिखा दूँगा, यह देखो यह जो पैर वाली रेस है, पर लगवा रखी थी और स्टेयरिंग करवा रखा था। तो मापा इस पर लगवाई है छतरी थी, वह जो सिंपल छतरी वह उतार कर ना वह उतारे दर दी थी, और साइड वाला स्पीकर उतार के दर दिए थे। तो पहले लगवाया अपन ने यू पाइप, यू पाइप के बाद अपन पेटी टिकवाई, पेटी टिकवाने के बाद यू मंजिल आए थे जो ऊपर यह हुआ है इस पर फाइबर छतरी टिका करा, तो यह ले आए थे। और इसके लाने के बाद इसका जो कर मुर्गाडा मन लाइटिंग कर रखी थी वह लाइटिंग हो रही है नीचे को भी, इसका पेटी नीचे को होगी, मुर्गाडा भीतर होगी, सारे लाइटिंग हो रही है लाइट लगा कर ना। फिर यो सरेंसर ले आए थे अपन, एक अपना दोस्त को बनवा रखे है यू के नाम इट्स महिंद्रा, इट्स महिंद्रा वाले हैं उनका यूट्यूब चैनल भाई मोहित भाई पर अपन ये बनवा रखा है। तो इसकी भी आवाज़ चेक करा देवे एक बार। तो फिर ये आप पेटी के पीछे स्टिकर लगवाया था दी हरियाणवी, ये चेक करो एजुकेटेड फार्मर दी हरियाणवी। तो ये स्टिकर लगवा ले आए थे, और क्या कह रहे विकास है बट टायर चोड़ी या टायर की लीक चोड़ी करी थी अपन, दुकान पर करी थी उस टायर की लीक चोड़ी। तो मोटा मोटा एक बार आप खर्चा पड़वा देवा कितना खर्चा आ गया है। तो स्टार्टिंग करेंगे आप पाइप से, यू पाइप से कितना खर्चा स्टार्टिंग में, पाइप आ रहा 3700 रुपये पाइप आ था, जो साइड वाले कान हैं वो आए थे 500 रुपये के, 1000 रुपये के वो हो गए, ऊपर ली 1600 रुपये का ये मंजी आई थी भाई। और अपन ने टायर बाहर निकाले थे थोड़ा बहुत इस बात का खर्चा, और जो ये सीट लगवाई थी पहाड़ों में, और पावर स्टेयरिंग करवाया था अपने, पावर स्टेयरिंग करवाया था अपने 35-36 हज़ार रुपये लग गए थे। टायर इसमें 14 के ही हैं, नए टायर डलवाए थे। साइलेंसर आप भाई अपना मोहित है एक दोस्त है सिंधवी खेड़े का, वहाँ से लेकर आए थे ये लगा लो, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो गया भाई। तो जो अपन खुद अपन दोनों जो मॉडिफिकेशन करवाई है नहीं तंदर मन ने, उसका बता दिया कॉस्टिंग आ रही है उस पर भाई 20-22 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। हाँ जो पेटी आप दोनों वसंत ले थे भाई है, पेटी लगा लो 12.5 हज़ार रुपये पेटी आई थी, ये हो गया पाइप हो गया मंजी हो गई, सिलेंसर का भाव लेकर आए थे अभी, बाकी है कितने कुछ क्या बना है। और सीट का अलग है भाई 12-22 हज़ार रुपये से सीट अलग है, क्यों सीट पहले दूसरी थी वो रखवाई थी
लेकिन उस पर आगे जो करो बता, तो इसलिए अपन यार पाई है भाई, सीट बहुत बढ़िया इधर रखी है। एक बार इसकी साइलेंसर जो अपन लगवाए हैं उसके बाद और चेक करा दो आप सबसे, एक मिनट चढ़ दिए चाबी, ये आ गई चाबी, तेर तो बनाऊंगा चल। तो आप सब ने भैया आवाज़ को चेक कर लिया होगी, किसी लगी आवाज़ कमेंट करके बता दियो। तो ज़्यादा रेज दे देगा मैं दिखा नहीं सकता यार, क्योंकि पीछे गाँव बन रही है, गौ माता है और पशु बन रही है, मैस वगैरह बन रही है, तो इस करके ये पिटकेंगे, मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता। और रेज दे देगा ना अपना इतना मैं मेरा पट गया, किसी की आवाज़ है। और एक बार लुक देख रहे हो की कितना बढ़िया डिज़ाइन बना रखा है, वो तो भाई ने अपना एक बार चेक कराऊँ। प्योर स्टील का पाइप है भाई, ये थोड़ा गर्म होगा ना, ज़्यादा हीट होगा, काढ़ा हो रहा है, तो इसमें तिरछा कट मार के अंदर भीतर सरिया सरिया फिट करके पत्ती पत्ती लगा के जुगाड़ लगा के और टिड्डा कर रखे ऊपर दा बंद कर रखे है, यो साइडा मेरा धुआं लग रहा है इसमें, तो आपने देख भी लिया होगा छोटी क्लिप में इसमें। तो किसी लगी अपने ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन कमेंट करके जरूर बताइए, मिलेंगे अगली वीडियो में। और एक बात और भाई, अपना विकास भाई ने अपना यूट्यूब चैनल नया बनाया है, तो एक बार अपना नाम बता दीजिए यूट्यूब चैनल का। भाई अपने यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेटेड फार्मर, तो भाई एजुकेटेड फार्मर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और सारे भाई जाकर सब्सक्राइब कर लो जिसने ना करा अभी तक। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि भाई सारे सब्सक्राइब कर लो, तो जो जो वीडियो देखा है भाई मेरी सारे जाकर एक बार सब्सक्राइब कर लियो। तो मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।